मेरी तारीफ में दो शब्द बोलो, दो शब्द क्या, चार लाइन बोलो, चलो क्या बोलूं, कुछ बोलने लायक हो तो बोल। हेलो गाइस, मैं आज 9 बजे शॉप में आ गया था, उसके बाद थोड़ा काम करा, दीपू को स्कूल छोड़ के आया था, आज मैं अकेली छोड़ने गया था, दीप्ति नहीं गई थी। और यहाँ पे देखिए दीप्ति क्या कर रही है, देखिए दीप्ति चेक कर रही है कि इसने काम करा नहीं करा कुछ, और देखो पूरी फाइल चेक करी जा रही है। मैं चेक कर रही हूँ भाई यहाँ पे, मतलब मैं नहीं थी जब, तो प्रॉपर काम हो रहा था या नहीं हो रहा था, ये चेक करना तो बनता नहीं, हर बीवी को करना चाहिए चेक। अरे हर बीवी को पति की जेब चेक करनी चाहिए। ये तो हमारे पति की जेब में कुछ रहता नहीं, इसलिए मैं चेक नहीं करती, ये फाइलें ही चेक कर सकती हूँ। तो ये फाइलों से पता लग जाता है कि कितने जेब में पैसा होना चाहिए, राइट। हाँ, ये यही चेक करी थी, कहाँ उड़ाते हैं, कितनी सेल हुई और कितना पैसा आया, और कहाँ उड़ाते हैं, दूसरी फाइलें कहाँ है भाई, एक ही फाइल रखी बाकी है। और ये देखिए बाहर कैसा मोरा मौसम बारिश में। गाइज बड़ों को नमस्ते, एंड पहला छोटे को बहुत सारा प्यार। तो वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी हम शॉप में, जैसे कि सचिन ने सब कुछ बता दिया है तो मैं यहाँ से शुरू नहीं करती, और हम लोग शॉप पे आए थे आज, तो वही बारिश हो रही तेज, और 12 बजे दीवी को लेने जाना है। आप देखो कैसे जाते हैं हम, नहीं तो सचिन को जाना पड़ेगा घर, वहाँ से कार उठानी पड़ेगी, फिर मुझे ले जाना पड़ेगा, तब हम दीवी को लेने जाएंगे। तो गाइज क्या है ना, कई दिनों से हमने बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं किया है, खैर आज भी नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन देखो सचिन ने पूरा काम रखा हुआ है मेरे लिए, क्योंकि ये सारा जो है फ़ोटो शूट वीडियो शूट होना है, इसका मैं ही टाइम नहीं दे पा रही हूँ, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। देखो सिल्की साड़ियाँ हैं, ये पता है क्या हो गया, अभी यहाँ पे ऊपर से पानी आने लग गया, कपड़े भीग जाएंगे हमारे, जो कपड़े हैंग होते हैं ना, दिखाओ सॉरी, देखो यहाँ तक पानी आ गया अंदर, ये देखो ऊपर पानी आ रहा है, और सचिन ऊपर चले गए अभी कुछ जुगाड़ करने। देखो इतना बढ़िया बारिश का मौसम हो रहा है, और दीप्ति क्या कर रही है, साड़ियाँ निकाल रही है, देख रही हूँ कि मतलब काम ही नहीं हो रखा भाई कुछ, क्या काम नहीं है, आई हूँ तो काम शुरू होगा बढ़ेगा। ये देखो सारा स्टॉक इनने यहाँ पे निकाल चुकी है, अब इनकी बनेगी वीडियो, तो आप इन साड़ियों को पूरा देखना चाहते हो तो आप ख्वाहिश कलेक्शन में देखना, उसमें आपको पूरी वीडियो दिखेगी। ये पूरा टीज के लिए तैयारी हो रही, हर तरह की मैंने ग्रीन कलर की साड़ियाँ निकाल दी, देखो ये क्योंकि ग्रीन ही कलर चलता है टीज में, शुरू होगा इनका वीडियो बनाना, वीडियो दूंगी। पहले तो हमने कुछ अलग तरीके से सोचा है, वैसे इस बार देखना हम इसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, आपको पसंद आता है या नहीं आता है वो भी पता चलेगा इसमें। और भी साड़ियाँ होंगी, अभी मैंने सेलेक्ट नहीं कर लिया, ये देखो यहीं पर मिल गया, सचिन नेगी का मुंह देखने लायक अभी, क्योंकि मैं ये वाला काम बहुत करती हूँ, फैलाने वाले काम मैं नहीं दिखाती हूँ, सचिन नेगी जी का मुंह देखो, अरे मुंह तो अच्छा वाला दिखा ना, फैला दिया, देखना पड़ेगा, मैंने धड़ा धड़ खींच खींच के निकाल दिया। वैसे भी दीवी का टाइम हो रहा है, अब हम कैसे स्कूल जाएंगे, तुम जाओ घर। तो अभी ना 12:15 हो चुका है, और सचिन जा रहे घर, क्योंकि बारिश नहीं रुकी है, और सचिन जाएंगे और वहाँ से कार लेके आएंगे, दीवी को लेने जाएंगे फिर। और ये पजामा ना लेके जा रहे हो, गड्डी में लगाऊंगा। ये पजामा साथ में रहता है नेगी जी का, देखो सचिन का जुगाड़ गए, दौड़ लगाओ फटाफट, लेकिन गिरना नहीं, ये देखो चले गए, हेलमेट नहीं है क्या, ये देखो गुस्से में चले गए बारिश में भीगते भीगते, लेकिन दीवी को लाना भी जरूरी है ना। तो गाइस नेगी जी आ चुके हैं, आज टाइम हो गया ऊपर 12:01 हो चुका है, देखो नेगी जी सारे कपड़े चेंज करके आए हैं बेचारे, तभी टाइम लगा इतना, ये देखो पूरा चेंज हो चुका है, स्कूटी में भीग भीग के गए, बेटी के लिए करना पड़ता है ना सा, अभी भी बारिश हो ही रही है। देखो हम दीवी को लेके आ गए हैं,
और पापा जी ने लगा रखा अम्ब्रेला इतना बड़ा और दीवी को और मम्मा को बचा रहे हैं बारिश है। तो गाइस फाइनली हम दीवी को लेकर आ गए हैं। बारिश हो रही थी, मैम खड़ी थी, मतलब अंदर ही थे बच्चे, भीगने नहीं दिया। और दीवी करी कार लाए मिले आज, कार लाए हैप्पी हो तुम। तो अब मिलते हैं आपको घर पे। देखो दीवी की खुशी, दीवी पता नहीं क्यों खुश हो रही है। चलिए आपको आगे मिलते हैं, मतलब घर पे मिलते हैं सीधे। क्या बोला पापा ने आपको? गंदा बोला। पापा ने इसको गंदा क्यों बोला? क्योंकि ये है। बड़ा हो चुका है, अब हम घर पे पहुंच चुके हैं। तो गाइज ना अभी 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 एक फनी सीन ये हुआ, मैंने दीवू को बोला था कि ना दीवू हम आपके लिए आज कार लेके आए हैं स्कूल में। उसे लग रहा था कि हम उसके लिए कार लेके आए हैं चलाने के लिए। तो घर पे आते ही पूछने लगी कि मम्मा आपने तो बोला था कार लेके आए हैं, कहाँ पर है मेरी कार बताओ। अब ये जो है तब से जिद कर रही है कि मुझे कार चाहिए। अरे वो देखो पापा के पर्स में पैसे भी ढूंढ रही। मैंने कहा बहुत सारे पैसे चाहिए उसके लिए। कह रही है कि पापा के पास है मम्मा बहुत सारे पैसे। सारे 3 बज रहे हैं, हम लोगों ने लंच कर चुके हैं। पर यहाँ पे देखो दीप्ति को डबल बेनिफिट मिला, पुलाव खा रही, पुलाव ये पुलाव खा रही है। खत्म ही होने वाला, मैं माही लाई थी, माही ये देखो ये लाई थी पुलाव। हेलो ये माई देखो माई यहाँ पे बैठी हुई है और उसके भैया देखो उसकी चोटी देख के जो है तेरे कितने किलो के हैं ये बाल। तो जो है फाइनली नेगी जी चले गए हैं शॉप पे, क्योंकि बारिश हो रही लगातार तो इसलिए वो जा नहीं पा रहे थे। और मेरा पुलाव भी हो गया इतनी देर में ख़त्म, और बहुत टेस्टी पुलाव था, मज़ा आ गया खा के। थैंक यू माही, वेलकम। आज मैंने सोचा कि मैं दीवी को नहीं सुलाऊंगी, क्योंकि ये उठने में बहुत ज़्यादा नाटक करती है, इससे अच्छा ये रात को जल्दी सो जाएगी। हे गाइस, तो अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, 7 बजने वाला है। और मैंने कहा था ना मैं दीवी को सोने नहीं दूंगी, लेकिन हुआ यूँ कि ये थी दादी दादू के पास और यहाँ ये सो रखी देखो, और वो भी 5 बजे सोई थी और 7 बजने वाला अभी उठने का नाम नहीं है। दीवी उठो, आपको प्ले करने जाना है। घर आया दिशु का फोन, दिशु वेट कर रही है देखो। और मैं यहां हूं। कहां? देख रही। ओके पसंद लगता है बहुत देखो। और ये दीवी से बात करना चाह रही, लेकिन दीवी उठ ही नहीं रही है ना। आ गई यहाँ पे किचन में और आज हम बना रहे हैं देखो कोफ्ते। ये हमारे कोफ्ते बन चुके हैं, ये अभी मम्मी बना के चली गई है। देखो मैं छौंक रही हूँ और साथ साथ में मैं गूंदने वाली हूँ आटा। तो आटा हो गया है और इसमें है मडवे का आटा। तो गाइज आजकल देखो अंधेरा जल्दी हो जा रहा है, अभी 7:18 हो रहा है और मेरा काम निपट चुका है। और जो है मैं गैस सिम पे करके आ गई हूँ, थोड़ी देर बाहर देखते हैं दीवी कहाँ गई। दीवी को उठा लिया था, फिर दादू के साथ चली गई है। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तुम क्या लेकर आई हो? ये देखो दादू से कुछ तो लेकर आई हो। क्या सरप्राइज दिखाओ? हाँ वो भी टूटू दिशु दीदी का है। पौने 9 होने वाला है और हमारे नेगी जी अब आ रहे हैं। देखो इतने लेट कहाँ से आ रहे तुम इतने लेट? और यहाँ पे पापा न्यूज़ सुन रहा है, यहाँ पे पापा न्यूज़ सुन रहे हैं। रोटी बना, देखो देखो कौन सास ऐसी होती है जो डांटती है, कह रही कि ब्लॉग पे लगी रहती है। रोटी बना, रोटी बना। मैंने लग ब्लॉग में भी पर रोटी बना, भूख लग गई। भूख लग के क्या होगा, भूख लग गया, मोटी हो इसलिए भूख लग जाती है। मैं आपको कोफ्ते दिखाऊँ, ये देखो टेस्टी से कोफ्ते। और कोफ्ते तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और सचिन को भी लौकी की सब्जी नहीं पसंद और कोफ्ते पसंद है। पर चलो भाई रोटी बनाते हैं, खिलाते हैं इनको, भूख लग गई तो जब भी तब तभी तो तारीफ करेंगी मेरी वो। देखो तेरे तो तारीफ मैं अच्छी कर देती हूँ, ना भी बना तभी कर देती हूँ। कहाँ की क्यों तेरी तारीफ? अच्छा चलो मेरी तारीफ में क्या 4 लाइन बोलो। चलो क्या बोलूँ, कुछ बोलने लायक होता तो बोल।
अच्छा है तो खैर सब तारी वाली बात है, इसकी ऐसी बात नहीं, तो मैं मजाक कर रही। हाँ बोलो चार लाइन। जैसे खाना हमको बना के टाइम से दे देती है, 10 बजे टाइम से। और नहाऊंगी मैं, मेरे कपड़े भी धो देती है। तीसरा, और इतना सोचना पड़ रहा है, सब कुछ मत करती है। चौथा, चार तो हो गए, तीन ही तो हो गए, ये तो सब मिक्स है। मैं सब काम करते हैं, मुझे बताने नहीं आ रहा ना। चौथा बता, चौथा। चार तो बता दिए, तीन ही तो हुए। खाना हमको ढंग से बना के देते, एक हमारे खुशामद करते हैं ढंग से। हाँ। दो, और कपड़े भी धोती है मेरे, में नहा लूंगी तो रहेंगे वहाँ, दो देती है। तीन, और बस ये है सब। चौथा लाइन, चौथा कहना मानते मेरा। आर मुझे डांटती, जो बोलती हो करती ना, मुझे डांटती है, डांटती तो मेरे को है। पर कहना भी मानती है, डांट के कहना भी मानती है, डांटती है मेरे को, ऐसी बहू है ये। हाँ, डांटती है मेरे, इसी मम्मी पापा भी सुन रहे होंगे, देखो मुझे डांटती है ये। मम्मी पापा खुश हो गए होंगे अभी। तो ये है पापा की प्लेट, कोफ्ता और लोटू, ये लो। साढ़े 9 बज चुका है और सबने खा लिया है, और अब हम बैठे हैं खाने। कौन? दीवी और मैं। देखो बैठ गई यहाँ पे दीवी को होमवर्क कराने, और दीवी गई थी देखो अपने पापा को बुलाने। दीवी कह रही पापा तो आए नहीं, मम्मा पापा भी तो पढ़ाई करेंगे, तो उसका गुस्सा देखो ऐसा बोल के आई, वो ऐसा गुस्सा दिखा के आई है पापा को। कैसा वाला गुस्सा, कैसा वाला गुस्सा दिखा के आई है वो पापा। वाह गुस्सा देखो इसका, ये पापा को गुस्सा है। और दीवो ऐसा करके आई थी, पापा अरे पापा है, ऐसा क्या तुमने, व्हाट इज दिस, एग। और एग को किससे करोगी, यस ई फॉर अ ए ए ए एग, वेरी गुड, ये कम्प्लीटेड। फाइनली जो है हमारी दीवू ने काम कर चुकी है, और जो है अभी 11 बज चुका है। ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, गर्मी थी एंड देयर सीम टू बी नो वाटर एनीवेयर, और इसने देखा कहीं भी वाटर नहीं है। तो गाइस जो है दीवी को मम्मा जो है स्टोरी सुना रही है अभी, और जो है और काफ़ी टाइम भी हो गया है, थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी मैं अभी इसको पढ़ा रही हूँ। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, यहीं पर ब्लॉग को एंड करेंगे, और मिलेंगे आपको कल के नए ब्लॉग में। अगर आपको हमारी ब्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक करना, शेयर करना, चप्पा के जोगे हैं। ये कैसा था, अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चप्पा करना, और अपना प्यार बनाए रखना। तो चलो बाय। <आगा। laughs>